त्योहारों के मद्देनजर पूरे रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में शनिवार को एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के नेतृत्व में जीआरपी आरपीएफ के साथ स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त मार्क ड्रिल किया गया। मार्क ड्रिल के दौरान यात्रियों के सामानों की तलाशी ली गई। इस दौरान रेलवे प्लेटफार्म, टिकट काउंटर, स्टेशन परिसर और ट्रेनों के अंदर जाकर उनके डिब्बों का और यात्रियों के सामानों का गहन पूर्वक निरीक्षण कर तलाशी ली गई। इस दौरान अभियान में डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल दस्ता के साथ सीओ गोरखनाथ प्रवीर सिंह, रेलवे स्टेशन चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मार्क ड्रिल के संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, पूरी ट्रेन जो कि ट्रेन में कैप्चर कर लिया होती है दो सरकारी काम है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। आज एक सघन अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशन की चेकिंग की गई, कुछ बूगीज चेक किए गए, बैग्स और टिकट काउंटर सेंटर्स, ये सारे चीज़ों की चेकिंग की गई। सीओ गोरखनाथ और हमारी पूरी फोर्स के साथ ये चेकिंग किया गया है। ये संदिग्ध सामान कुछ मिला नहीं है, बस एक अनुरोध हम लोग करना चाह रहे हैं पूरे गोरखपुर वासियों को और अन्य लोगों को भी कि किसी भी तरीके की कोई बैग लावारिस वस्तु अगर आपको दिखे तो पुलिस से ज़रूर संपर्क करें और अफवाहों पे विश्वास ना रखें।